इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ का नियम क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, अंधेरे कमरे में हम एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख देते हैं। हम देखते हैं कि काली वस्तु से अधिक विकिरण उत्सर्जित होती है और वह हमें अधिक चमकदार दिखाई देती है। हमारे दैनिक जीवन में भी कई बर्तन किरचॉफ के नियम के अनुसार होते हैं। वे अच्छे अवशोषक भी होते हैं और अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। जैसे थर्मस के बाहरी और भीतरी दोनों सतह को चमकदार बनाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद और चमकदार सतह ऊष्मा का बुरा अवशोषक होते हैं और यह बुरा अवशोषक होने के कारण ऊष्मा की कम हानि करता है। उसी प्रकार चाय के प्याले की सतह को चमकदार और सफ़ेद बनाया जाता है। यह दोनों किरचॉफ के नियम पर आधारित है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं।